हेलो जी, राम राम जी, जय माता दी, सत श्री अकाल जी। मैं रोजाना रूटीन चैनल तो बोल रही, वीना बोल रही हाँ। अज असी बना रहे हैं समोसे छोले। समोसा वास्ते असी मैदा लिया, नमक लिया, जवैन ली है, इधर रिफाइंड लिया, इधर पानी लिया। असी हूँ थानू डो बना के दिखाने असी समोसा का। आ ले लिया असी मैदा एक डब्बी भरी, एक कप ला लो चाहे। बिच असी पावांगे स्वाद अनुसार नमक, ये अद्धी चम्मच ली है मैं। बिच असी जवैन पावांगे, असी मिक्स कर लांगे सारा कुछ। अद्धी कौली ली है रिफाइंड की, चम्मच ना पा लो चाहे, देख के अपना जिन्नी की लोड़ है। वैसे मोम तो बिच चंगी चल वधिया लगती, अच्छी तो समोसे वधिया बनते हैं। आ हुण देखो असीं हाथ नाल तुहानूं करके दिखाने आ। मुट्ठी बनन लग गई है ना, मुट्ठी बनन लग गई, बस अपना मौन वधिया हैगा, ठीक है। पहले जदों कोई भी चीज़ बनानी है, समोसे बनाने, कोई पूड़ियाँ बनानी है या कुछ, आपां रिफाइंड जो घ्यो पाने, पहले इस तरह मुट्ठी बना के देखो। जे साडी मुट्ठी बन जाए फिर रिफाइंड ठीक है, घ्यो ठीक पाए वे, नहीं तो होर पा लो। जे इदां मुट्ठी ना बने फिर होर पा लो। हुण असीं इहनूं पाणी नाल गुन्नांगे, जिन्ना क लोड़ है थोड़ा थोड़ा पानी पाओ, ज़्यादा आपां पतला नहीं करना है, सख्त गुनना है। फ्रेंड देखो साड़ा डो तैयार हो गया, हुण असीं इहनूं अद्धा घंटा रैसट ते धरांगे, बाद च समोसे बनावांगे। रैसट अद्धा घंटा लै के सख्त रखना, लूज नहीं करना है। जिस तरह मैं रखे सख्त, इस तरह ही तुसीं जे बनाने करे तो इस तरह सख। देखो फ्रेंड असीं हुण आलू तोड़ ले हैं, हाथ नाल ही तोड़े हैं, स्टफिंग करन लई है, स्टफिंग करन लई समोसिआं वास्ते। इधर असी धनिया लै लिया समोसिआं वास्ते, मटर लै लें, नमक, मिर्च, भुने हुआ जीरा, इधर अनारदाना पाया विच, ते चटनी लै ली समोसे, छोले छोले भी असी बनाए हैं, छोले बनाए हैं नाल बना लगे। हुण असी मिक्स करन लगे आलूआं च सारा कुछ, धनिया पावांगे, हुण मटर पावांगे। मटर पहले उबाल लें, मटर उबाल के रखे हुए से, नमक पावांगे, फिर मिर्च अपने स्वाद अनुसार, नमक मिर्च तुसी पाओ जिस तरह तुसी खांदे हो, तेज खांदे हो या घट खांदे हो। इधर भुने हुए जीरा, ये असी अनारदाना पावांगे, टेस्ट वास्ते थोड़ा वधिया टेस्ट हो जाएगा। सारा कुछ मिक्स कर लांगे असी अपने हाथ नाल ही, कर लो वधिया हो जांदा हाथ नाल, चम्मच नाल सारा कुछ मिक्स करके पिट्ठी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी वधिया। ज़्यादा बरीक भी नहीं करने समोसिया के, आलू ठीक ठीक होंगे, ना बरीक होंगे ना मोटे होंगे, वधिया वधिया होंगे। आ देखो साड़ी पिट्ठी तैयार हो गई, हूँ उधर असी गैस बालांगे। रिफाइंड पा लिया मैंने कढ़ाई च, ये डो बन के तैयार है, ये हम पेड़े कर लेने हैं। जितने आप रोटी बनाने हैं उस तो थोड़े जे वट्टे करने हैं, क्यों विचों असी कटिंग करनी होंगी है ना। इधर रिफाइंड रख लिया फ्रेंड गर्म होने लिए, ऐ देखो असी डो बना के वेल लिया पेड़ा, पेड़ा वेल के विचों कट लेना, असी कट लिया विचों, इंज रखना ते पानी लगा दो साइड ते। आ देखो असी इदा बनाना, पानी तां लगाना है कि खुले ना है,
ਸਾਡਾ ਸਮੋਸਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮੋਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ, ਬੰਦ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਭਰ ਲਿਆ ਸਮੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਸਮੋਸਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਲਾ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਨ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠੀ ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਿੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰਿਫਾਇੰਡ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਮੋਸਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਮੋਸਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਅੱਗ 'ਤੇ ਤਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਲੋ 'ਤੇ ਗੈਸ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਸਲੋ 'ਤੇ ਪਾਉਣੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ ਸਮੋਸੇ ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਫਰੈਂਡ, ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮੋਸੇ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਟਨੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਦਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੋਸੇ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਅਤੇ ਟੇਸਟੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਾਏ ਫਰੈਂਡ।